सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल साइंस। तो आज हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफार्मर में जाने से पहले हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है और कैसे काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज ट्रांसफार्मर? द फंक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर एज द नेम इंप्लाइज टू ट्रांसफॉर्म द अल्टरनेटिंग करंट एनर्जी फ्रॉम वन वोल्टेज इनटू अनदर वोल्टेज। ओके, द ट्रांसफार्मर हैज नो रोटेटिंग पार्ट। बेसिकली जो ट्रांसफार्मर काम होता है वोल्टेज को हाई और लो करना, ओके, हमारे यूज के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा जो ट्रांसफार्मर आर द हार्ट ऑफ द एसी पावर सिस्टम। बेसिकली जो ट्रांसफार्मर होता है ना वो हार्ट है किसका? एसी पावर सिस्टम का, ठीक है। अब हम जानते हैं यूजेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, इट कैन राइज और लोअर द लेवल ऑफ वोल्टेज और करंट व्हेन वोल्टेज इंक्रीजेस करंट डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा बिकॉज पीस को चू वी एंड पावर इन सेम, ठीक है, इन एनी एसी सर्किट। ओके, देखिए जो पहला काम लिखा है इसमें जो हमारे ट्रांसफार्मर का होता है ना वो वोल्टेज को हाई और लो करना, ठीक है। हमारा जो फॉर्मूला है पीस को टू वी आई, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट हमेशा डाउन होगी, ओके, करंट डिक्रीज करेगा। एंड इफ यू रिड्यूस द वोल्टेज, अगर आप वोल्टेज को रिड्यूस करते हो तो डायरेक्टली करंट बढ़ेगा, ओके। सेकेंड पॉइंट, इट कैन बी यूज टू प्रिवेंट डीसी फ्रॉम पासिंग फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर। ओके, देखिए ये क्या करता है ना डीसी को प्रिवेंट करता है, ठीक है, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पास होने के लिए। आपको पता है जो डीसी होता है वो एक कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी वजह से जब भी वो एक इंडक्टिव कॉइल में यानी कि एक इंडक्टर में फ्लो होती है तो वो ऐसा शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, ठीक है। अब अगर उसमें अल्टरनेटिंग फ्लक्स नहीं प्रोड्यूस हो रहा तो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट कैन आइसोलेट टू सर्किट इलेक्ट्रिकली। बेसिकली ये दो इलेक्ट्रिक सर्किट को ना आइसोलेट करता है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए ना दो सर्किट के बीच जो रेजिस्टेंस होता है ना वो इनफिनाइट होता है, ओके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। हु इन्वेंटेड द ट्रांसफार्मर, ठीक है। ओटो ब्लाती, मिक्सा डेरी एंड कैरोली ज़िपानोव्स्की ऑफ द ऑस्ट्रो-हंगेरियन एम्पायर फॉर डिजाइन एंड यूज द ट्रांसफार्मर इन बोथ एक्सपेरिमेंटल एंड कमर्शियल सिस्टम। ओटो ब्लाती, मिक्सा डेरी एंड कैरोली ज़िपानोव्स्की ने जो पहला ट्रांसफार्मर डिजाइन किया था कब? 1885 में, ठीक है। उन्होंने कमर्शियल सिस्टम्स में और एक्सपेरिमेंटल बेसिस दोनों पे उसको यूज किया था, ठीक है। उसके बाद लेटर ऑन लुशियन गॉलर्ड, सेबेस्टियन फेरांटी एंड विलियम स्टैनली परफेक्टेड डिजाइन, ठीक है। उसके बाद हमारे लुशियन गॉलर्ड, सेबेस्टियन फेरांटी एंड विलियम स्टैनली ने उसका डिजाइन को परफेक्ट किया था, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज द ट्रांसफार्मर इन्वेंटेड, आखिर में कब ट्रांसफार्मर इन्वेंट हुआ था, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड इन द 1830s बट इट वाजंट अंटिल 1886 दैट विलियम स्टैनली वर्किंग फॉर वेस्टिंगहाउस बिल्ड द फर्स्ट रिलायबल कमर्शियल ट्रांसफार्मर। ओके, विलियम स्टैनली ने पहला 1885 में एक कमर्शियल ट्रांसफार्मर डेवलप किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। His work was built upon some rudimentary design by the Gans company in Hungary, ZBT transformer 1878 and Lucien Gollard and John Dixon Gibbs in England, ठीक है। वो Gans company Hungary में बेसिकली एक अल्प विकसित जो हमारी मशीन्स होती है, हमारी जो भी डिजाइन होते हैं ना उनको वो रीडिजाइन करते थे, ठीक है। तो जैसे कि उनका काम बेसिकली वही था तो उन्होंने ट्रांसफार्मर को रीडिजाइन किया, ठीक है। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस एंड एल्बर्ट स्किमिट, ओलिवर शेलबैंगर एंड स्टैनली मेड द ट्रांसफार्मर चीप टू प्रोड्यूस एंड ईजी टू एडजस्ट फॉर द फाइनल यूज, ठीक है। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस, एल्बर्ट स्किमिट, ओलिवर शेलबैंगर ने और स्टैनली ने ट्रांसफार्मर को सस्ता बनाया और प्रोड्यूस किया और ईजी टू यूज किया आखिरकार, ठीक है। अब पहला ट्रांसफार्मर कहाँ इस्तेमाल हुआ? वेयर वर द फर्स्ट ट्रांसफार्मर यूज्ड? द फर्स्ट एसी पावर सिस्टम दैट यूज्ड मॉडर्न ट्रांसफार्मर वाज इन ग्रेट बैरिंगटन, मैसाचुसेट्स इन 1886। जो हमारा पहला एसी पावर सिस्टम का जो हमारा मॉडर्न ट्रांसफार्मर था वो ग्रेट ब्रिटेन के मैसाचुसेट्स 1886 में बना था, ठीक है, यूज हुआ था, ओके। अगर आपको नहीं पता तो मैसाचुसेट्स कहाँ है तो वो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स की एक स्टेट्स है जो न्यू इंग्लैंड की रीजन में लोकेटेड है, ओके, ठीक है। आगे, इन 1891 मास्टरमाइंड मिखेल ड्रॉबस्की डिजाइन एंड डेमोंस्ट्रेटेड हिज थ्री फेज ट्रांसफार्मर इन द इलेक्ट्रोटेक्निकल एक्सपोजिशन एट फ्रैंकफर्ट जर्मनी। उन्होंने अपना थ्री फेज ट्रांसफार्मर का डिजाइन इलेक्ट्रोटेक्निकल एक्सपोजिशन में फ्रैंकफर्ट में जर्मनी में पेश किया। ही ऑल्सो क्रिएट शॉर्ट सर्किट स्क्रू इंडक्शन मोटर। उन्होंने बेसिकली शॉर्ट सर्किट स्क्रू इंडक्शन मोटर को भी क्रिएट किया एंड ही डिजाइन द वर्ल्ड फर्स्ट थ्री फेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन 1891। उन्होंने पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डिजाइन किया थ्री फेज 1891 में, ठीक है। आई होप आप काफी कुछ जान चुके होंगे ट्रांसफार्मर के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में और ट्रांसफार्मर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, अपने टेक्निकल फ्रेंड, अपने टेक्निकल ग्रुप्स और टेक्निकल
दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी और भी वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, इस पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।